बात बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों की शिक्षिका हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे एवं गृह कार्य में इसे प्रयोग में लाएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मैं पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा से संबंधित पृष्ठ संख्या 28 एवं 29 करवाई थी। ठीक है बच्चों? तथा फलों के नाम मैं गृह कार्य के रूप में भी दी थी। तो बच्चों, आज एक बार फिर छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा से संबंधित कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? आप उसे शब्दों को अलग अलग, छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा को अलग अलग शब्दों को छाट कर लिखेंगे, तथा साथ ही साथ रंगों के नाम भी आप लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। परंतु एक बार फिर से बच्चों, मैं छोटी ई एवं बड़ी ई की मात्रा में फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी। बच्चों, छोटी ई जो है अक्षर के पहले लगाई जाती है, जैसे प में छोटी ई पी, ठीक है, न में छोटी ई नी, बात समझ में आ रही है, क में छोटी ई की, क में बड़ी ई की, अर्थात क जो छोटी ई है बच्चों अक्षर के पहले लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो बड़ी ई की मात्रा बच्चों यह अक्षर के बाद लगाई जा रही है, यह बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है बच्चों? अब बच्चों, अब आप लोग सभी लोग कुछ शब्द भी देख लें, जैसे छोटी ई की मात्रा, फिर बिल, दिल। अब बड़ी ई की मात्रा के शब्द जैसे देख लें, जैसे देख सकते हैं नदी, बीज, कली, है ना, क्या है, यह सभी शब्द जो है जो बड़ी की मात्रा है वो अक्षर के बाद लगाई गई है, जैसे घड़ी में भी बड़ी बाद में है, लीची, चाबी और आदि। ठीक है बच्चों? अब बच्चों, छोटी ई एवं बड़ी ई से संबंधित ही आप लोग आज कार्य करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। कार्य है बच्चों, निम्न शब्दों को छाट कर सही जगह पर लिखे। कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उनके जो उचित स्थान है आप वहाँ पे लिखेंगे, जैसे पनीर। बच्चों, पनीर कैसे लिखे हैं? लिखिए प न में बड़ी ई की मात्रा, नी र पनीर। तो ये कैसी मात्रा वाले शब्द हो गए बच्चों? बड़ी ई की मात्रा वाले। तो पनीर कहाँ पे लिखेंगे आप? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पे लिखेंगे पनीर, प न में बड़ी ई की मात्रा, नी र पनीर। आई बात समझ में? अगला शब्द देखते हैं, जैसे मछली। मछली में भी कैसे शब्द, कैसा मात्रा लगा बच्चों? बड़ी ई की मात्रा। यह भी कहाँ लिखाएगा? यह भी बड़ी ई की मात्रा वाले में ही लिखाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे पहला पनीर, दूसरा मछली, म छ ल में बड़ी ई की मात्रा, ली मछली। अगला देखते हैं बच्चों, अगला कौन सा शब्द है, जैसे तकिया। तो देख सकते हैं बच्चों, त क में छोटी ई का प्रयोग किया गया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो छोटी ई की मात्रा है वो अक्षर से पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो त क में छोटी ई की मात्रा, की य में आ की मात्रा, या तकिया। तो यह कहाँ लिखेंगे बच्चों? यह छोटी ई की मात्रा में लिखेंगे। तकिया कहाँ लिखेंगे? छोटी ई की मात्रा। त क में छोटी ई की मात्रा, की य में आ की मात्रा, या तकिया। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है? रिम झिम, रिम झिम। दोनों में देख सकते हैं, दोनों अक्षरों में बाबू बच्चों छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। र में छोटी ई की मात्रा, री म, झ में छोटी ई की मात्रा, झी म। तो बच्चों आप इसे भी छोटी ई की मात्रा वाले में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे रिम झिम, रिम झिम। बात समझ में आ रही है सभी को बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है रिम झिम के बाद क्या है? रविवार। आप यहाँ भी देख सकते हैं, रविवार में जो व में कैसी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। तो यह भी आप छोटी ई की मात्रा में ही लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे रविवार, रविवार, व में आ की मात्रा, व, रवि, रविवार। आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्या है रविवार के बाद? गिलास। ग में कैसी मात्रा का प्रयोग किया गया? छोटी ई की मात्रा। ग में छोटी ई, ल में आ, स, क्या हो गया? गिलास। तो यह भी कहाँ लिखेंगे बच्चों? छोटी ई की मात्रा वाले में ही लिखेंगे। यहाँ पे आप गिलास लिखेंगे, ग में छोटी ई की मात्रा, गी, ल में आ की मात्रा, ला, स। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, अगला शब्द है गिलास के बाद क्या है? खीर। ख में बड़ी ई की मात्रा, खी, और र, यह कहाँ लिखेंगे बच्चों? तो कैसा प्रयोग किया? बड़ी ई की मात्रा। तो आप यहाँ नीचे में लिखेंगे, ख में बड़ी ई की मात्रा, खी, र, खीर। ठीक है बच्चों, आगे
अगला क्या है, बकरी। बकरी में भी कैसी मात्रा का प्रयोग किया गया बच्चों, र में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया। कैसी मात्रा का प्रयोग किया गया, बड़ी ई की मात्रा, तो ब क र में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। तो आप कहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे बकरी, ब क र में बड़ी ई की मात्रा री, बकरी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्या है। बकरी के बाद कविता, क वी ता, तो व में कैसी मात्रा लगी है, अब तो आप सब समझ सकते हैं क्योंकि मैम आपको बता चुकी है कि जो छोटी ई की मात्रा है वो अक्षर से पहले लगाई जाती है, तो व में छोटी ई की मात्रा वी, तो में आ की मात्रा ता, कविता। तो आप यहाँ लिखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले जगह पे लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क, व में छोटी ई की मात्रा वी, त में आ की मात्रा ता, कविता। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्या है। नानी, न में आ, न में बड़ी की मात्रा नी, नानी, तो बड़ी ई की मात्रा, तो बड़ी ई के स्थान पे लिखेंगे न में आ की मात्रा ना, न में बड़ी ई की मात्रा नी, नानी। तो बच्चों इस प्रकार एक बार फिर से छोटी ई की मात्रा वाले स्थान पे कौन कौन सा लिखेंगे, जैसे छोटी, ध्यान रखना है छोटी, तो क्या हो जाएगा आपका तकिया, या क्या है छोटी ई, रिमझिम छोटी ई, बात समझ में आ रही है, रविवार छोटी ई, गिलास छोटी ई, और आपका कविता, अर्थात तकिया, रविवार, रिमझिम, गिलास, कविता, या सभी आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, छोटी ई के पास लिखेंगे। और बड़ी बड़ी की मात्रा वाले शब्द में लिखेंगे आप लोग, जैसे पनीर, मछली, ठीक है, खीर, बकरी, नानी। ठीक है, पनीर, मछली, खीर, बकरी, नानी, कहाँ लिखेंगे, कहाँ किस स्थान पर लिखेंगे, बड़ी की मात्रा यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आई, तो मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों एक और कार्य जो है रंगों के नाम, आप उसे रंग, आप आज रंगों के नाम के याद करके रंगों के सहित लिखेंगे, है ना, आप गुब्बारा, एक गुब्बारा बनाकर उसमें रंग भर सकते हो और उसके सामने रंग का नाम लिखेंगे। जैसे देखिए, जैसे लाल, आप सिर्फ एक गुब्बारा, कितने यहाँ तो बहुत सारे गुब्बारे, आप एक गुब्बारे का चित्र बना लेंगे और उसमें लाल रंग से भर देंगे और क्या लिखेंगे, ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल, क्या हो जाएगा, और लिखना क्या है, याद भी करना है मात्रा लगाकर, ल में आ की मात्रा ला, ल, लाल। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा रंग है बच्चों, क्या है, पीला। प में कैसी मात्रा लगेगी बच्चों, प में बड़ी ई की मात्रा पी, ल में आ की मात्रा ला, पीला। बोलिए, प में बड़ी ई की मात्रा पी, ल में आ की मात्रा ला, पीला। आगे देखते हैं नीला, न में बड़ी ई की मात्रा, क्या है, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ल में आ की मात्रा ला। बच्चों आप लोग रंग के नाम भी लिखेंगे, साथ ही उसके सामने आप रंग भी बनाएंगे, तो आपको एक एक गुब्बारा का चित्र बना लेंगे, उसमें नीले रंग से रंग देंगे, रंग भरेंगे। ठीक है, तो नीला किस प्रकार लिखते हैं, न में बड़ी ई की मात्रा नी, ल में आ की मात्रा ला, नीला। आगे देखते हैं बच्चों, जैसे देखें यहाँ पे हरा, ह र में आ की मात्रा रा, ह र में आ की मात्रा रा, क्या हो गया, हरा, है ना, पत्ती किस रंग का होता है बच्चों, हरा, पत्ती किस रंग का होता है बच्चों, हरे रंग का, है ना, तो हरा। आगे देखते हैं काला, क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला, है ना, तो आप काला क्या बल एक गुब्बारा बनाकर उसमें काले रंग भर सकते हैं, क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला। आगे देखते हैं उजला, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सफेद भी कहते हैं, पर यहाँ पे उजला लिखेंगे ना, क्योंकि मैं आपको आ की मात्रा पढ़ा चुकी हूँ, तो उ ज ल में आ की मात्रा ला, उजला, उ ज में आ, सॉरी, उ ज ल में आ की मात्रा ला, उजला। ठीक है बच्चों, आगे दूध किस रंग का होता है आपको तो पता होगा, हाँ, दूध किस रंग का होता है, उजला रंग का होता है, जिसे हम लोग सफ़ेद कहते हैं, आपकी कॉपी जिस पर आप लोग लिखते हैं वह भी कैसे रंग का होता है, सफ़ेद रंग का, उजला रंग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आसमानी, आ, है ना, आ, और आ, स, म में आ की मात्रा मा, न में बड़ी की मात्रा नी, क्या बन गया,
आसमानी, आसमान से आसमानी अर्थात आसमान किस रंग का होता है, आसमानी, है ना, आसमानी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं धानी, या कौन सा रंग है बच्चों, धानी रंग से हम लोग कहते हैं धानी, जो कि यह हरा भी नहीं है ना, यह कैसा रंग है, धानी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों मैं आप लोग को रंगों के नाम बताई, एक बार फिर से दोहराती हूँ, आप लोग इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में रंगों के साथ लिखेंगे, जैसे धानी, ठीक है, आसमानी, उजला, काला, हरा, नीला, पीला और लाल। तो बच्चों इस प्रकार आप सभी लोग रंगों के नाम पहले याद करेंगे, ठीक है बच्चों, फिर उसे अपनी कॉपी में रंगों के सहित लिखेंगे। तो आज के लिए सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।